जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। अल्लाह, कम से कम इसका मेकअप तो किसी अच्छे पार्लर से करा लेते। जैसी है वैसी की वैसी लग रही है। देखिए, आप लोग ने घर में टेंट लगा के शादी कर ली। अरे अगर बैंक्वेट हॉल ही बुक करा लेते तो क्या होता, इज्जत में इजाफा ही होता ना आप लोग की। कितने खूबसूरत जोड़े, ये वाला तो मैं रख रही हूँ। ये रिदा के लिए, जो पैसे मैंने दिए थे उसमें नहीं हो पाएगा। कौन से पैसे? आपके फादर ने कहा था ना कि जहेज के बदले पैसे दे देना ताकि रिदा के जाने का इंतजाम हो सके। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। अच्छा ये बताओ, ससुराल में सब लोग कैसे हैं तुम्हारे साथ? तानी अम्मी, मैंने गौर ही नहीं किया। क्या मतलब है रिता, कब बड़ी होगी तुम? हे अम्मी, उस्मान मेरे साथ इतने अच्छे हैं, मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मुझे मौका ही नहीं मिला किसी और पे गौर करने का भी। था शुक्र अल्लाह का, अल्लाह पाक नजरे बस से बचाए तुम दोनों को, इसी तरह खुश आबाद रहो। आमीन। सादिया, उस पे इतना गुस्सा आ रहा है मुझे अम्मी, पता नहीं कहाँ रह गई है। अच्छा उस पे गुस्सा बाद में निकालना, पहले ना कप्स निकालो और उसमें चाय डालकर अंदर लेकर जाओ, वो इंतजार कर रहा है। देख लो अब तुम, कितना वक्त हो गया, उस लड़के का कोई पता नहीं, वो तो ससुराल जाके बैठ ही गया। मैं खूब अच्छी तरह समझती हूँ, वो जो उसकी भोली भाली मासूम सूरत दिखने वाली सास है ना, उसी ने बिठा लिया होगा बातें करने को। बहुत बहुत शौक है उसे बातें करने का। अब यहाँ पर बैठकर जलने कुड़ने से क्या फायदा होगा भला? तो क्या करूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं अपने बेटे को अपने हाथ से नहीं निकलने दूंगी। अरे बुलवा लो फिर। बुला लो? ये भी कोई पूछने वाली बात है, फोन करो बुलवा लो। कहूंगी क्या? कह देना कि अब्बा की तबीयत खराब हो गई, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, दवाई खत्म होगी, फौरन आओ। ससुराल वालों को इतना तो पता चले ना कि हमारी औलाद हमारी कितनी फरमा बरदार है। कि वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ सब कुछ। उस्मान बेटा, तुमने कुछ खाया क्यों नहीं? उस्मान लीजिए। जी थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम मामा। उस्मान बेटा कहाँ हो, इतनी देर हो गई तुम्हें, घर क्यों नहीं आए वापस? हाँ अभी तो आया हूँ थोड़ी देर पहले, अभी तो चाय भी नहीं पी। शाबाश है बेटा, बैठो वहाँ चाय पियो, हम बुड्ढे बुढ़िया का क्या है, तुम्हारी तो अब शादी होगी ना, अब हमारी जरूरत तो है नहीं। माँ कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ तुम्हारे अब्बा की तबीयत बहुत खराब है, अजहर भी घर पे नहीं है, वरना मैं तुम्हें तकलीफ क्यों देती। क्या हुआ अब्बा को, सब ठीक तो है ना? अभी हम आ रहे थे तो बात बिल्कुल ठीक थे। अच्छा तो तुम्हारा मतलब है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? शाबाश है बेटा, अब तुम्हें अपनी माँ भी ड्रामेबाज और झूठी लगने लगी। माँ कैसी बातें कर रही हैं, मैं ऐसा क्यों सोचूंगा? अच्छा आप रुके, मैं आ रहा हूँ अभी, फौरन आ रहा हूँ। हाँ हाँ जल्दी आओ। आ रहा है? क्या क्या हुआ बेटा? आंटी अब्बा की तबीयत अचानक खराब हो गई है, मुझे जाना होगा। सब खैरियत तो है ना? आंटी डिटेल में बात तो नहीं हुई, चाहूंगा तो पता चलेगा। जाओ रिदा, जाकर बैग ले आओ, और बेटा घर पहुंच कर ना मुझे भाई साहब की तबीयत का जरूर बता देना। अब रिदा तुम रहने दो, आंटी अब्बा ब्लड प्रेशर के मरीज है, हो सकता है कोई दवा वक्त पे ना लियो इस वजह से तबीयत खराब हो गई हो, हम लोग यहाँ रहने के इरादे से आए थे। मैं देखता हूँ रिदा। ठीक है, अगर अब्बा की तबीयत ठीक हो गई तो मैं दोबारा आ जाऊंगा। लेकिन बेटा ये मुनासिब नहीं लगता। मैंने आपसे कहा ना फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है, असल में अम्मा बहुत जल्दी घबरा जाती है। इंशाल्लाह अब्बा बिल्कुल ठीक होंगे, मैं बस अब्बा से मिल के आता हूँ। उस्मान खैर से जाइएगा, अल्लाह खैर करे बस। अम्मा आपने तो मुझे डरा ही दिया था। हाँ और इसी डर की वजह से तुम्हारे हवास तो जैसे तुम्हारा साथ ही छोड़ गए। तुम ये भी भूल गए कि तुम शादीशुदा हो और तुम्हारी बीवी भी है जिसे अपने ससुर की खिदमत के लिए फौरन आना चाहिए था। अरे अम्मा वो तो खुद आना चाह रही थी,
मैंने उसे मना किया जान के। क्यों नहीं रहे भाई? अरे उसका आना तो जरूरी था, यहाँ कौन है देखने वाला। मुझे लगा कि आपकी तबीयत ज्यादा खराब है, कि खुदा ना खास्ता आपको हॉस्पिटल ना लेके जाना पड़े इमरजेंसी में, इसलिए मैंने जानबूझ के उसे छोड़ दिया। लेकिन आप तो बिल्कुल ठीक है। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि हमने झूठ बोल के तुम्हें बुलाया यहाँ पे है? मैंने ऐसा कब? अम्मा देखें आप क्या कह रहे हैं। अरे भाई ये दवाई है, ये देखो ये लो, ये खाइए दवाइयाँ, तो बेहतर दिखाई दे रहा हूँ मैं। फरीन भी नहीं है घर पे, तुम्हारे अब्बा का परहेजी खाना बनना है। किन सोचो में गुम मियां, सुसाल में अनहोनी हुई हुई क्या? बहुत अजीब बात हुई। अच्छा क्या अजीब बात है, हम भी तो सुने। पापा मैं तो समझा था कि आपने बहुत आला सरफी की मिसाल कायम की, एक रुपया एक चीज नहीं ली जाए इसमें, लेकिन हाँ तो क्या हुआ, क्या कहना चाह रहे हो तुम बताओ। आपने जहेज के बदले इतनी बड़ी रकम ली उनसे और मुझे बताया तक नहीं। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि हमने रिदा के घर वालों से तुमसे छुप के रकम हथियाई है? मैंने ऐसा कब कहा है? तो और क्या कहोगे यार, और कुछ कहने को रह गया बाकी? मेरे हाथ बिल्कुल साफ है भाई, समझे ना, मेरी जमीन पे कोई बोझ नहीं है, ना मैं शर्मिंदा हूं, आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया मैंने। तुम बोलो तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, करो मुझसे सवाल, में तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा, पूछो। आपने इतने सारे पैसे लिए, मुझे क्यों नहीं बताया? क्या बताते, किस वक्त बताते भाई? इतनी अफरा तफरी में शादी हुई है, वो जो चेक उन्होंने दिया अपनी बेटी को दिया, वो तो चाहते ही नहीं थे भाई कि उनकी बेटी दो दिन ससुराल में रह के सास और ससुर की खिदमत करे। और क्या, वो तो ये चाहते थे कि फौरन के फौरन वो बाहर चली जाए तुम्हारे साथ। अब जो पैसा था वो हमारा था ना तुम्हारा था भाई, तो हम क्या ढंडोरा पीटते उसका? जेवर दिया, कपड़ा लत्ता दिया, तो अपनी बेटी को दिया, और क्या दिया उन्होंने? अरे ना टीवी दिया, ना फ्रिज दिया, ना फर्नीचर दिया, ना क्रॉकरी दी। छह लोग आए यहां देखने के लिए, हमारा ख्याल किया उन्होंने, जलील करवा दिया सारे खानदान के अंदर। ठीक है भाई, मर्जी के मालिक हैं, जो दिल चाहे करें। अच्छा अच्छा बस ना, तबीयत खराब ना कर लेना, और तुम्हें भी, बाप की हालत ठीक नहीं है और तुम बहस कर रहे हो। उस्मान ने तो कहा था कि वो घर जाके कॉल करेंगे, लेकिन अभी तक तो कोई कॉल नहीं आई, और अब तो रात भी काफी हो चुकी है। हेलो उस्मान, मैं भी आपको ही कॉल करने वाली थी। मैं कितना बदनसीब हूं नरता, अभी तो तुम मेरी जिंदगी में आई थी और किस्मत ने फिर हमें जुदा कर दिया। ऐसे ना कहे उस्मान, अल्लाह ना करे आप मुझसे कभी भी दूर हो। बताएं अंकल कैसे हैं, उनकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है यार, अब्बा की तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर तुम इसी तरह मुझसे दूर रही ना, तो मेरी तबीयत जरूर खराब हो जाएगी। दिल कर रहा है कि बस कुछ भी करूं, उड़ के तुम्हारे पास पहुंचूं। रात किस पहर? कि मोहब्बत की शिद्दत है, सच्ची चाहत है,
जिसने मुझे तुम्हारे सामने सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। पल भी नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बगैर। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं उस्मान, मेरा वजूद तो बहुत ही सादा है, बिल्कुल पानी की तरह, उसे जिस भी रंग में डालो वही रंग इख्तियार कर लेता है। नहीं रीता, मेरी नजर से देखो तो तुम बहुत खास हो, हीरे की तरह बहुत कीमती। मुझे तो अपनी किस्मत पर रश कर रहा है, ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत तरीन इंसान हूं जो तुम मुझे मिले। बहुत मिस कर रहा हूं यार तुम्हें। खाला खाला खाला, अस्सलाम वालेकुम। अरे रिदा, आप अचानक, मेरा मतलब कब आई, कैसे आई, और उस्मान भाई कहाँ है? उस्मान नहीं आए हैं, मैं अकेले आई हूँ। और खाला कहाँ है? वो जिनको सलाम करना है फिर बैठ के बातें करते हैं। मम्मी नमाज पढ़ी है, तुम बैठो तो सही और बताओ कैसी हो। मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत खुश, बिल्कुल चहकती हुई। वैसे अंदाजा सही लगाया, मैं बहुत खुश हूँ, उस्मान मेरा इतना ख्याल रखते हैं। मेरी दिल से ख्वाहिश है कि तुम हमेशा खुश रहो। आमीन। सादिया क्यों नहीं आई, मैं उसे कब से कॉल कर रही हूँ, उसने मेरा फोन ही नहीं उठाया। बात हो तो जरूर बताना कि मैं बहुत नाराज हूँ। बिल्कुल बता दूंगा। खाला अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? जीती रहो, आबाद रहो। तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ, तुम्हारे ससुराल वाले कैसे हैं, शौहर कैसा है, सब बताओ मुझे। सब बहुत अच्छे हैं खाला, इतना मजा आता है, सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। आप कैसी हैं? आगे देख के गाड़ी चलाएं। क्यों? उस्मान आगे देख के गाड़ी चलाएं, एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे तुम क्यों डर रही हो? तुम्हारा मुहाफिज होना है, तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है। अब ये प्यार भरी बातें घर जाके भी हो सकती हैं। वैसे हम ऑलरेडी लेट हो गए, आंटी की कॉल आ जाएगी। थोड़ा तेज चलाएं ना। कुछ नहीं होता। गाड़ी क्यों रोक रहे हैं? क्या हुआ? क्या हुआ उस्मान, गाड़ी क्यों रोक दी? वेट करो। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ ना, आ रहा हूँ, बस वेट। And this is for you. अब्बा जैसे ही उस्मान ने फोन करके बताया ना कि आपकी तबीयत खराब हो रही है, मुझसे रहा नहीं किया, मैं फौरन चली आई कसम से। देखा सुल्ताना, ये फर्क होता है बेटी और बहू में। बहू को पता चला कि तबीयत खराब है तो मजा ले मैं कैसे निकली हूं बाहर, और बेटी
सुनते ही भागी दौड़ी चली आई। हालांकि तबीयत ठीक है लेकिन फिर भी कह रही है कि आपको देखूंगी नहीं तो चैन नहीं आएगा। नहीं अब्बा, वो रिदा भी आना चाहती थी, मैंने ही इसे रोक दिया था। तुमने रोका और वो रुक गई। बस भाई हमारी किस्मत ही ऐसी है, तुम्हें तो हमारी शक्ल नहीं देखना चाहती। आपकी बात से परेशान हो गई भाभी, वक्त के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी समझ ली। देखते हैं। सॉरी अंकल, आइंदा से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। भाई जबानी दावे तो हर कोई कर लेता है, जब तुम अपनी बात साबित करोगी ना तब हम देखेंगे। क्यों अम्मा? हाँ हाँ, जबानी कलामी बात करना आसान है। रिदा भाई, बाल भाई आए हैं, काशा बाजी आएंगे, जाके चाय वगैरह बनाओ। ठीक है, मैं अभी लेके आती हूँ। चाची मैं भी चाय पीऊंगी। सही है, चलो मेरे साथ आओ। ये भी बताना पड़ेगा इनको, काफी दोस्ती हो गई है बच्ची से इसकी। भाई वो फरहीन की तबीयत ठीक नहीं है, यूं भी जरा काम चोर है, हर वक्त कमरे में घुसी रहती है, तो शान से हमारे पास ही होती है। अच्छा छोड़े अब्बा, आप बताएं अब कैसी तबीयत। ठीक है, अब तुम आ गई हो ना, और ठीक हो जाएगी। मैं भी चाय पीऊंगी चाची। अरे छोटे बच्चे चाय नहीं पीते, दूध पीते हैं। ओके। भाभी आप यहाँ क्या, बैठो, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपकी तो तबीयत खराब है ना, आप जाइए जाके रेस्ट करें, मैं सब कुछ कर देती हूँ। इस घर में आराम मुमकिन नहीं है। काशपा अच्छी तरह वाकिफ है कि मेरी क्या कंडीशन है। तुम नई दुल्हन हो और मुझे पता है काशपा खाना खाए बगैर तो जाएगी नहीं। चिकन धो के काट के रख दिया है, प्याज भी काट दिया है, टमाटर भी तैयार कर दिया है, बस तुम सालन बना लेना प्लीज, इसकी स्मेल से ना मेरी तबीयत खराब होती है। मैं कर। अरे वाह भाई वाह, सब मिलजुल कर काम हो रहा है। भाई वैसे मैं इस इत्तेफाक से बड़ा मुतासर हुआ हूँ, काश काशफा भी अपनी भाभियों के साथ मिलजुल कर रहा करे। आप बाहर जाके बैठे, मैं चाय लेके आती हूँ। अरे नहीं भाई, मुझे बाहर बैठने की सजा मत सुना, इस घर में छोटे बड़े बेमकसद गुफ्तगु करने में अपना कोई सानी नहीं रखते, और सबसे बढ़कर हमारे ससुर साहब भाई हर वक्त अपनी तारीफ में सर धुनते रहते हैं और चाहते हैं कि हम भी उनकी हाँ में हाँ मिलें। मिनटों में झूठ बोल बोलकर गुनाहों के बोरे भर लेते हैं हम। अल्लाह माफ करे। वैसे भाभी क्या पका रही हैं? वही जो डाइनिंग टेबल पे मौजूद ना हो तो आपका मुंह बन जाता है। कढ़ाई पका रही है ना भाई, क्या बात है चिकन कढ़ाई की, वाह वाह वाह। वैसे हमारे भाइयों को बीवियों के मामले में अल्लाह ने बड़ा नवाजा है, सीरत भी अच्छी और सूरत भी, माशाल्लाह क्या बात है क्या बात है। मेरी बात सुने, कोई बात करने के लिए नहीं है तो जाके टेरेस में बैठ जाएं आप। ठीक है, मैं तो ऐसे ही आया था कि आप लोगों को थोड़ी कंपनी दे देता, बात टेरेस में बैठ जाते हैं। चांजबिता आ जाओ टेरेस में, चांजे कहीं नहीं जाएगी। गुड्डू को लें और ले जाएं टेरेस पे। चांजे आप जाए आराम करें, मैं करती हूँ। हाँ हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करा दूंगी, तो रख। ओहो मैं खा लूंगा बाद में। वैसे मुझे लगता है अजहर को हमारे आने की इत्तला हो गई है, तभी अभी तक आया नहीं। अरे नहीं इकबाल भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, अजहर भाई को एक बहुत जरूरी काम था। जरूरी काम? ऐसा कौन सा जरूरी काम था भाई? ओहो, ओ भाभी के कागजात तो बनवाना शुरू कर दिए होंगे तुमने।
नहीं, अभी तक डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर कोई काम नहीं किया। अरे तो कब करोगे भाई? भाभी पासपोर्ट तो बन गया ना आपका? नहीं अभी तो नहीं बना। तो कोई परेशानी की बात ही नहीं है भाई, हम क्या स्मर्स की दवाएं? भाभी का सारा काम मैं करवा दूंगा, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, शहर में बड़े ताल्लुकात हैं हमारे। वाकई इकबाल भाई, अगर ये काम हो गया तो मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी, बहुत एहसान मंद रहूंगा मैं आपका। चलो काशवा, ये तो हमें गैर समझ रहा है भाई। अरे यार ये अंग्रेजों के देश में तुम गए हो, हम नहीं गए, फौरन भाईचारे को फरामोश कर दिया। भैया मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ताल्लुकात निभाने वाले, क्यों? अरे इकबाल भाई आपके खुलूस और आपकी मोहब्बत की हमेशा कद्र करता हूँ। करो करो फायदा होगा। बहुत काम वाले हैं माशाल्लाह, बहुत। हम तो सिर्फ आपकी सेहत चाहते हैं। तो यहाँ घुसी बैठी हो तुम दोनों, क्या साजिशें हो रही हैं हमारे खिलाफ? आंटी आपको हमेशा ये क्यों लगता है कि जब दो लोग बैठ के बातें करेंगे तो वो आपके अगेंस्ट साजिश ही कर रहे होंगे? तुम तो चुप ही कर जाओ। रिदा कैसी है? उस्मान मैं भाई रिदा कैसी है ये हमें क्या पता, हमारे दरमियान आके बैठे तो हम तुम्हें बताएं ना इसका हाल अहवाल। सारा दिन अपने कमरे में घुसी बैठी रहती है, ना किसी काम का पता है ना हमारी खबर लेती है। और सुनो, हम ना तुम्हारी बीवी की तरफ से खासे मायूस हैं। वैसे जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। अरे भैया वो इकबाल चला गया है, काशवा और बच्चे यहीं रहेंगे। बहू से कह देना कि उनकी खातिर मदारत में कोई कमी नहीं आए। किन सोचो में गुम हो भाई, तुमसे बात कर रहा हूं मैं। ओ, सुना नहीं था? कह रहा था इकबाल के वरीदा को लंदन भिजवा देगा, अब तो उसे भिजवा के ही दम लेगा। इकबाल कौन होता है सब कुछ करने वाला? अरे ये मेरे चाहने ना चाहने की वजह से होगा जो होगा। अगर मैं चाहूंगा तो हो जाएगी, और मैं नहीं चाहूंगा तो हम दोनों यूके जाएंगे और वो यहीं बैठी रहेगी, इंतजार की भट्टी में जलती रहेगी। हाँ मतलब मैं तो परेशान ही हो गई थी। अरे तुम भी। अब्बा काशवा है, आओ बेटा आओ। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया आप दोनों को? सोने की तैयारी कर रहे होंगे ना? अरे नहीं भाई, तुम्हारे शौहर की हमदर्दियों पर सर धुन रहे थे। हमारा तो कभी कोई काम ना किया इस आदमी ने, और रिदा को लंदन भिजवा रहा है। ओहो अम्मा आप भी किसकी बातों में आ गई हैं? आपको पता है ना इकबाल सिर्फ बातें बनाने में माहिर है, कर कुछ नहीं सकता है। उसको अगर बोलो ना ये नुक्कड़ तक सब्जी लेने चले जाओ तो दौरे पर जाते हैं सुस्ती के, रिदा का काम कराएगा। हाँ सुन लिया, मैं भी परेशान हो रही बिलावल जी। अच्छा मुझे ना आप लोगों से एक बात कहनी थी। याद है ना जब आप लोग कराची वापस आए थे मैंने आप लोगों से एक फरमाइश की थी। कैसी फरमाइश बेटा? अब भूल जाते हैं आप हर बात। मैंने कहा था मुझे नया LED लेके दे, वो मेरे कमरे का खराब हो गया। अच्छा वो? हाँ हाँ। अरे बात तो है ना भाई, उस्मान की अब नई नई शादी हुई है, मैं बहनों तोहफा तो बनता है मेरा। हाँ भाई तोहफा तो बनता है, तुम्हारा हक है। तो पहले LED का मामला तो हल करें भाई मेरा। अरे वो तो हल ही समझो तुम बेटा। कब तक अब्बा? तुम मैं काम उस्मान को मुल्क से जाने दो, उसके जाने के बाद मेरे साथ चलना और ले लेना। सब समझ गई मैं, उस्मान को जो पैसे मिले हैं रिदा के उसमें से लेके देंगे ना आप मुझे, है ना? अच्छा बस आज तक क्या हो गया, दीवारों के भी कान होते हैं। बस गुड्डू सो गया? सो गया अम्मा। रिदा क्या सोच रही है? परेशानी हो रही है, मैं आपके बगैर इतने दिन कैसे गुजारूंगी यहाँ अकेले? यार अगर तुम इस तरह की बात करोगी ना तो मैं नहीं जा पाऊंगा सीरियसली। क्या करूं, आपके जाने का सोचती हूँ तो दासी होती है मुझे। ज्यादा दिन इंतजार मत करवाइएगा, जाते ही बुलाइएगा मुझे। ठीक है, तो मामा आपका ख्याल रखना, उनकी खिदमत करना, उनकी दुआएं मिलेंगी ना तो देखना हमारे सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे।
आप बेफिक्र हो जाएं, आंटी अंकल का ख्याल रखूंगी मैं। अब हमें भूल ना जाना, तुम तो बाहर जाके बिल्कुल भूल ही जाते हो। सही कह रही है तुम्हारी अम्मी, हर वक्त तुम्हारी तरफ ध्यान लगा रहता हमारा। उदासी तो जैसे दिल में डेरे जमा के बैठ जाती है। मेरा तो दिल अभी से उदास हो रहा है। माँ आप क्यों उदास हो रही हैं? अच्छा मैं चाहते ही रब्ता करूंगा ना, रोना तो बंद कीजिए प्लीज। अच्छा भाई ख्याल रखिएगा, परेशान ना करना, चाहते तो मैं फोन करूंगा। देखें जरा नई नई आई कितनी अजीज हो गई है ना, शक्ल देखें जरा इसकी, लगता है अभी रो पड़ेगा। चलो खैरियत से जाए। चलेंगे या बहुत बातें करनी है यहाँ पर अभी? चलो चलो मैं बाहर तक छोड़ूंगी। गरम चाय। अरे थैंक यू सो मच, आओ बैठो ना। अच्छा हुआ तुम चाय ले आई, बहुत दिल कर रहा था चाय पीने का। क्या देखने? देख रहा हूँ कि तुम सजने संवरने के बाद कितनी अच्छी लगती हो, ऐसे रहा करो। अरे तारीफ का जवाब देने में तो तुम बहुत कंजूस हो, कहीं मोहब्बत में भी इतनी कंजूस तो नहीं? आप बहुत अच्छे हैं उस्मान, मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि आपको आपकी मोहब्बत का सिला दूं। जितनी मोहब्बत आप मुझसे करते हैं उतनी ही मोहब्बत हमेशा मैं आपसे करूं। मेरी गैर हाजिरी में मेरे माँ बाप का ख्याल रखना, उनसे कभी गाफिल ना होना, उन्हें अपने माँ बाप समझना। कोई कहने वाली बात है उस्मान, लेकिन आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आपको शिकायत का कभी भी कोई भी मौका नहीं दूंगी। बहुत याद आओगी तुम मुझे, अब देखना जाते ही कोशिश करूंगा कि तुम्हें जल्द से जल्द बुलाऊं। क्या बताऊं तुझे, इतने खुश किए हैं वो लोग कि जिसकी इंतहा नहीं है। ये सारी चीजें उनको इतनी पसंद आई कि तारीफ करते उनका मुंह नहीं थक रहा था। भाई मेरी बहन के हाथों में जायका भी तो बहुत है। तो इसमें कौन सी शक वाली बात है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी तो गुणों वाली है। और तो और 2 महीने बाद शादी की तारीख मांग रहे थे, मैंने तो कह दिया भाई मेरी तरफ से कल बारात लेकर आ जाओ, मेरी तो तैयारी पूरी है। ये सब समेट लो तुम, मैं जरा आराम कर लूं, मेरे तो कमर में दर्द हो गया भाई। हाँ ठीक है हम आप जाएं, रेस्ट करें। वाह 2 महीने बाद की तारीख मांगी है उन लोगों ने। हाँ तो नामुमकिन है ना, हमारी तो कोई भी तैयारी मुकम्मल नहीं हुई। तो ये हमारा मसला है, मतलब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो क्या मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूँ? ओहो भाई एक तो तुम बाल की खाल निकाल लेती हो। देखो भाई मेरा मतलब वो नहीं है, हद करती हो यार। अभी हमारी शादी पर परी के नाम पर चंद जोड़े ही थे, ये कहकर के हालात नहीं है। अच्छा तो वो बात तुम अब तक अपने दिल में लेकर बैठी हुई हो। एक बात बताओ किस चीज की कमी है तुम्हें यहाँ पे? जैसे तुम अपने साथ जहेज में गाड़ी लेकर आई थी या तुम्हारी अम्मा ने बंगला कर दिया था मेरे नाम? ऐसी बात नहीं है, मेरी बात तो सुने। देखो कुछ नहीं सुनना है मुझे, ठीक है? पहले तुमने दिमाग खराब कर दिया। मेरी एक बार बात तो सुन ले प्लीज,
मेरा मत बात है, रो क्यों रही हो? इस तरह नहीं रोते, बहुत बुरी बात है। उस्मान याद आ रहे थे मुझे। उस्मान याद आ रहे हैं ना, जाहिर सी बात है। पता है मेरी तुम्हारे लिए सिर्फ यही दुआ है कि तुम जल्दी से उस्मान के पास चली जाओ। खैर अभी नीचे चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं तुमसे ना एक बात करना चाह रही थी। जी कहें। वैसे तो ये नामुमकिन है, लेकिन प्लीज कोशिश करो कि किसी को शिकायत का मौका ना दो, वरना तुम्हारी जरा जरा सी बात की शिकायत हो जाएगी उस्मान से। वो ये लोग कोशिश करेंगे कि उस्मान का दिल खराब हो जाए तुम्हारी तरफ से। ऐसा कभी भी नहीं होगा। उस्मान मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और वो बहुत अच्छी तरह मेरे मिजाज को भी समझते हैं। कोई कुछ भी कहे, वो कभी मुझसे बदगुमान होंगे ही नहीं। ये सब ना शादी के शुरू के दिनों के खुमार होते हैं। मर्द ऐसी मोहब्बत के दावे करते हैं लेकिन इनमें कोई हकीकत नहीं होती। इसलिए मैं तुम्हें समझाने आई थी, थोड़ा सा संभल कर रहो। अच्छा जल्दी से आओ मेरे साथ, हाँ मुंह धो के आना। ठीक है। समी आप परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। उस्मान के बगैर उदासी हो रही है, इसीलिए यहाँ रहने में मुश्किल हो रहा है। रिदा बेटा, वही तुम्हारे अपने हैं और तुमने वहीं रहना है, वहीं दिल लगाओ। जी अम्मी, मुझे पता है, आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी मुझे, मैं एडजस्ट कर जाऊंगी। लेकिन बस अभी थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। किससे बात कर रही? वो अम्मी से बात कर रही हूँ। आंटी आप कर लें। अरे नहीं भाई, बाहर निकलो, सुबह से कमरे में घुसी बैठी हो। जी अच्छा मैं बाद में बात करूंगी रिदा, खुदा हाफिज़। जी अम्मी, खुदा हाफिज। माँ ने किया था फोन? जी। ऐसी माएं होती हैं ना, जो बेटियों का दिल ससुराल में लगने नहीं देती। अरे भाई जब फोन पे फोन करेगी तो यही तुम्हें तरबियत दी होगी ना कि बस शौहर को काबू करो, ससुराल वालों को मुंह लगाने की जरूरत नहीं है, ना उनका कोई काम करने की जरूरत है, फिर तो बस चुका घर। नहीं आंटी, बस मैं बाहर आ ही रही थी अभी। हाँ आओ, आके चाय बनाओ, मैं और तुम्हारे अंकल इंतजार कर रहे हैं। उस्मान की कॉल आई है। अरे उस्मान की कॉल? अरे सुनते हो, मेरे बेटे की कॉल आ रही है, वो भी बहू के मोबाइल पे। हेलो। आया भाई, आया। आजो आजो। हेलो हेलो, मेरी जान, मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरी तो आंखें तरस गई तुझे देखने को। हाँ भाई, अपने अब्बा से बात कर। माशाल्लाह, मतलब कॉल की तो वो भी बहू के मोबाइल पे। शाबाश है बेटा, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम अब्बा, कैसे हैं आप? ठीक है। अरे भाई हम कैसे हो सकते हैं तुम्हारे बगैर, बेचैन। और हमारा तो छोड़ो तुम, तुम्हारी बहन हर बात में तुम्हारा जिक्र करती है। अब वक्त निकाल के ना उसे भी कॉल कर लेना। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं उन्हें फोन कर लूंगा। मतलब क्या एहसान करोगे कोई? वो भाई फर्ज है तुम्हारा। हाँ, हाँ, और सिर्फ फोन नहीं करना, खैर खैरियत पूछनी है, अगर वो कोई फरमाइश करती है तो उसे पूरा भी करना। सुन रहे हो अब्बा? रिदा कैसी है? उस्मान मैं। भाई रिदा कैसी है ये हमें क्या पता, हमारे दरमियान आके बैठे तो हम तुम्हें बताएं ना इसका हाल अहवाल। सारा दिन अपने कमरे में घुसी बैठी रहती है, ना किसी काम का पता है, ना हमारी खबर लेती है। और सुनो, हम ना तुम्हारी बीवी की तरफ से खासे मायूस हैं। वैसे तो बाहर चल के बात करते हैं। हाँ, हाँ तो मेरी जान, मैं तुझे कह रही थी कि जब तुम अब बात करो ना उसको, तो अच्छी तरह से समझाना अपनी बीवी को। क्या तरीका है ये? अस्सलामुअलैकुम। क्या बात है अम्मा? परेशान नजर आ रही हैं।
परेशान नहीं हूँ, अफसोस में हूँ। हाय, क्या किस्मत पाई है मेरे बेटे ने भी। कसम से बहुत बुरा हुआ है तुम्हारे साथ। मेरे साथ? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना है अम्मा? अभी अभी तुम्हारी खाला का कनाडा से फोन आया था, उनकी बेटी को तलाक हो गई है। वाकई ये तो बहुत बुरा हुआ। सबसे ज्यादा ये बुरी खबर हमारे लिए है। अगर मुझे पहले मालूम होता ना कि मेरी भांजी की जिंदगी में ये ऊंच नहीं चल रही है, तो कसम से इन कंगलों में कभी तुम्हारी शादी नहीं करवाती। सोने की चिड़िया हाथ आते आते निकल गई। ठीक कह रही है, अगर मेरी शादी वहां होती ना तो वाकई वारे न्यारे होते। जब से ये खबर सुनी है मैंने, अफसोस से हाथ मल रही हूँ, तब से हाथ। क्या हुआ? सब ठीक है ना? आप लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अगर ये परेशानी तुम्हें बता देंगे तो तुम परेशानी हमारी दूर कर दोगी। खबरदार, अपने काम से काम रखा करो, हर मामले में घुस जाती है। जाओ जाकर अपना काम करो। अल्लाह, कितनी हासिद है ये लड़की। इसे जब भी पता चलता है ना कि ये माँ बेटा बैठकर बातें कर रहे हैं तो बहाने से बीच में टपक पड़ती है, बर्दाश्त नहीं होता इससे। ये सब ढील तुम्हारी है, तुमने जरा भी इसे रोक में नहीं रखा हुआ। मान तो रहा हूँ अम्मा, ये मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठा रही है। अच्छा, टाइम निकाल के ना अपनी खाला और उसकी बेटी पिंकी को फोन कर लेना, बेचारियां बहुत परेशान है। जी अच्छा, शाबाश। दिल घबरा गया। सादिया, अरे ओ सादिया, एक गिलास पानी लाना, बल्कि शरबत बना के ले आ। हाय, जब से ये खबर सुनी है ना आधी जान रह गई है मेरी। टांग दबा दूं? अरे रहने दे, इतना कुछ आते आते हाथ से निकल गया, इतना बड़ा नुकसान हो गया बैठे बिठाए। देखो रिता, अब खैर से तुम मैरिड हो, मतलब तुम्हारा उठना बैठना दूसरों के मुताबिक होना चाहिए, और तुम्हारा तो शौहर भी यहाँ नहीं है तुम्हारे पास। समझो कि सांस लेने पर भी ससुराल वाले पाबंदी आयद कर सकते हैं। कर आंटी को ऐसा नहीं समझती थी, उन्होंने मेरी उस्मान से बात ही नहीं होने दी, वो फोन भी लेके चले गए। मैंने हमेशा कितना एहतराम किया आपने देखा है ना, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैंने तुमसे कहा ना कि अब तुम मैरिड हो। हमारे माशरे में एक अजीब सा दस्तूर रिवाज पा चुका है, हम ना खुद खुश रहते हैं और ना दूसरों को खुश रहने देते हैं। सारी जिंदगी जलते कुड़ते, साजिशों का जाल बुनते, एक दिन दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। नफरतें बांटने वाले लोग हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि जब हमारे घर बेटा पैदा होता है तो कितनी खुशियां मनाई जाती हैं, और जब उसी बेटे की शादी होती है और बहू घर लाते हैं तो उस बेटे की जिंदगी को हर मुमकिन तरीके से आजमाइश में डालने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं। बहू की जिद में आकर बेटे की जिंदगी को अजाब में डाल देते हैं। भाभी, क्या करूँगा? रीता, मुझे यकीन है कि उस्मान बहुत उदास होगा, उसका भी दिल चाहता होगा कि अपने दिल की बातें तुमसे करे। मुझे यकीन है कि अपने वालिद की ऐसी ऐसी बातें सुनके वो बहुत परेशान होगा। तुम प्लीज उसे कॉल जरूर करना। मैंने कॉल किया, फिर मैं क्या बोलूंगी उनको? वो सुनेंगे मेरी बात, वो तो हमेशा आंटी अंकल की बात सुनते हैं। मुझे भी बहुत रोना आ रहा है। ओ, अच्छा, तो यहाँ घुसी बैठी हो तुम दोनों, क्या साजिशें हो रही हैं हमारे खिलाफ? आंटी, आपको हमेशा ये क्यों लगता है कि जब दो लोग बैठ के बातें करेंगे तो वो आपके अगेंस्ट साजिश ही कर रहे होंगे? तुम तो चुप ही कर जाओ, मेरे मुंह ना लगो, मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। और तुम, इतना ख्याल नहीं आया कि हम बुड्ढा बुड्ढी कमरे में अकेले पड़े हैं, हमारे कमरे में ही आके झांक लो। मैं आ रही थी आंटी। हमारे लिए मिल्क शेक बना कर ले आओ, और सुनो, तुमने सिर्फ सब्जी बनाई है खाने में, चिकन का कोई सालन बना देना हमारे लिए, खाली सब्जी नहीं खा सकते। ठीक है आंटी।
जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है।